सीएम ने प्रदेश भर के विभिन्न जिलों से आए संगठन नागरिकों की समस्याओं को सुना। मुख्यमंत्री आवास पर आज आने वाले संगठनों में निःशक्त जन, उर्दू शिक्षक संघ, महिला संगठन और कांग्रेस के विधायक और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। बजट में की गई घोषणाओं के लिए सीएम का लोगों ने आभार भी व्यक्त किया। महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने आज पीसीसी में जनसुनवाई की। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं की भी समस्याओं को सुना। इस दौरान कैबिनेट के फैसलों को लेकर ममता भूपेश ने कहा कि प्रत्यक्ष प्रणाली से निकाय प्रमुख का चुनाव मौजूदा हालात में सही फैसला है। उन्होंने मीसाबंदियों की पेंशन बंद करने के फैसले को भी सही बताया। पीसीसी में आज लगे जनता दरबार में महिला और बाल विकास विभाग मंत्री ममता भूपेश ने समस्याएं सुनी हैं। करीब दो घंटे तक जितने भी परिवादी आए हैं सबकी न केवल समस्याएं सुनी बल्कि अपने साथ अधिकारियों की जो टीम वो लेकर आई हैं उनसे कई ऐसी समस्याएं थी जिनके समाधान के लिए बोला गया और कुछ ऐसी समस्याएं जिनका समाधान बाद में होगा उसके लिए निर्देशित किया गया है। ममता जी, जो लोग आ रहे हैं किस तरह की समस्याएं ज्यादा देखने को मिल रही है? देखिए, सभी तरह की समस्याएं लोग लेकर आ रहे हैं और हमारी प्राथमिकता है कि हम सब समस्याओं को ज्यादा कोशिश तो है कि इसी स्तर पर निस्तारण करें और अगर कुछ ऐसी समस्याएं हैं तो उनको संबंधित विभाग में भेज के हमारा प्रयास है कि हम गुड गवर्नेंस का आईना जनता को दिखाएं और जनता को हम ये प्रयास करें इस बात का कि जो हमने कहा था लोगों से उसको हम पूरा कर पाए। कैबिनेट की बैठक में आज आप गई थी तो वहां कई फैसले लिए गए हैं, खासतौर पे निकाय प्रमुख और महापौर की अब सीधे चुनाव नहीं होंगे, पार्षद चुनेंगे, फैसला ठीक लगता? देखिए, पहले सरकार ने डायरेक्ट चुनाव के लिए कहा था लेकिन जब इस चीज को अनाउंस किया बहुत से लोगों ने ग्रीवेंसेज रखी, अपनी बातें रखी, जनप्रतिनिधियों ने रखी, आम जनता से राय ली गई, तो तमाम तरह के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट ने फैसला लिया। मैं समझती हूँ बहुत अच्छा फैसला है, नीतिगत आधार पर लिया गया फैसला है और इसका कुछ न कुछ अच्छा फायदा राजस्थान की जनता को मिलेगा। महिलाओं से जुड़ा एक अहम फैसला कि टीएसपी क्षेत्र में जो शादी करके महिलाएं जाएंगी उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा, एक बड़ा निर्णय है। निश्चित तौर पर जब वो अपना पूरा जीवन किसी जीवन साथी के साथ में बिताना चाहती हैं, उस इलाके में शादी करके जाना चाहती हैं, पहले उनको आरक्षण नहीं मिल पा रहा था जबकि वहाँ पे पूरी तरह से उनके परिवारों का आरक्षण था, तो ये बहुत स्वागत योग्य फैसला है और मैं समझती हूँ जरूरतमंद महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा। सरकार उन तक पहुँचना चाहती है जिनको आवश्यकता है सरकार की मदद की, इसलिए ये फैसला हमारी महिलाओं के हक में बहुत बड़ा फैसला है। जो लोग ये कहते हैं कि सरकार में हमारी सुनवाई नहीं होती वो यहाँ आए, नागरिक हों, पार्टी के कार्यकर्ता हों, जो मंत्री विभाग में बैठ रहा है भले ही उससे जुड़ी हुई समस्या ना हो, वो दूसरे विभागों की हो, वो भी यहाँ पर सुनी जा रही है, लेकिन बड़ी बात ये कि कोशिश ये है कि तय समय में कुछ समस्याएं यहाँ पे तुरंत मौके पे ही निस्तारित की जा रही हैं और कुछ तय समय के भीतर जो है निस्तारित करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। अगर ऐसा हो पाएगा तो ये जन सुनवाई जो है वो सार्थक होगी। कैमरामैन विजय के साथ सुशांत पारिक, जी मीडिया, जयपुर।